हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ये किस प्रकार की कंपनी है और इसकी ग्रोथ कितनी है, मिनिमम कितना प्राइस था और मैक्सिमम कितना प्राइस था, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। चलिए देखते हैं, जैसे हम स्टॉक का एनालाइज करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये कंपनी है। जो स्टार्टिंग में जब ये चालू हुई थी 2008 में, तो इसका सबसे मिनिमम प्राइस था 100 रुपये। फिलहाल आपके सामने इसका जो प्राइस है 9000 रुपये है, और हाईएस्ट इसने अपना परफॉर्मेंस किया है 10000 से ऊपर तक का इसने परफॉर्मेंस किया है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। इसकी जो परफॉर्मेंस है 1% तक हर रोज़ जा सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी परसेंटेज कम चल रही है। अब बात करते हैं इसकी डे हाई। इसने अपने लाइफ में 3% तक हाईएस्ट इसने पोजीशन प्राप्त की है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ड्राइवर के बारे में। यदि आप शॉर्ट टर्म में इसे लेते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, और लॉन्ग टर्म में भी ये सही दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग इसे शॉर्ट टर्म में ही यूज करते हैं। अब करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। ये बुलिश की तरफ जा रहा है, मतलब इसके जो शेयर के दाम है काफ़ी बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टिव्स के बारे में। इसकी जो वॉल्यूम्स है काफ़ी अच्छी है, और इसके बात करते हैं फंडामेंटल्स। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये फाइनेंस और NBFC सेक्टर में 2nd नंबर की इंडिया की कंपनी है। काफ़ी अच्छी फाइनेंस करती है, और NBFC सेक्टर में काफ़ी अच्छा इसका योगदान है। उसकी वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और फाइनेंस ट्रेंड भी फ्लैट चल रहा है। अब बात करते हैं इसकी नेट सेल के बारे में। यदि ये काम करती है पूरे ईयर्स, तो इसका जो हाइएस्ट इसकी जो नेट सेल है 15,049 करोड़ रुपये है, मतलब बहुत अच्छी है। और कैश की इक्विटी बहुत अच्छी है, जो 3,067 करोड़ है। अब बात करते हैं इस, यदि कंपनी वर्किंग नहीं करती है तो इसका जो फालन होता है 2154 करोड़ है, मतलब ये नेट सेल से कम है, इसलिए इसके स्टॉक काफ़ी अच्छे बेहतर रहते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक DNA। स्टॉक DNA में इसका जो योगदान है एक ईयर का एक रिटर्न 0.29% है, और सेक्टर में इसका योगदान 10.8%, और सेंसेक्स में इसका योगदान है 19.51%। काफ़ी अच्छी है, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। यदि ये डाउन की ओर चली जाती है तो 19, और परफॉर्मेंस के ऊपर चली जाती है 10% से ऊपर तक परफॉर्मेंस का अच्छा कर लेती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। ये फाइनेंस से संबंधित है, और NBFC से संबंधित है, और इसकी जो मार्केट कैप है कहीं अच्छी है, 1,42,855 करोड़ है, काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसके दाम बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रो होते हैं। अब बात करते हैं रेशियो। इसका रेशियो फिलहाल के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है, हाईएस्ट चल रहा है 40.61 चल रहा है। और बात करते हैं इसकी नेट सेल 4.59 है EV के अनुसार। अब बात करते हैं इसका शॉर्ट होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर हैं 60.80% तक, और म्यूचुअल फंड में भी अच्छा खासा योगदान है, इंश्योरेंस में बिल्कुल ही नागे बराबर योगदान है 1.65 है, मतलब ये फाइनेंशियल कंपनी है इसलिए। अब नॉन इंस्टीट्यूट्स में इसका योगदान 24.66% है, काफ़ी अच्छी है कंपनी है। आप इसका एनालाइज हमने कर दिया है। इसका जो मिनिमम शेयर का रेट था 100 रुपये, फिलहाल अब इसका 9000 से ऊपर चल रहा है, और इसका जो हाईएस्ट था 10000 रुपये तक था बजाज फाइनेंस का। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।